क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2016. तो यहां वी एक वेक्टर स्पेस गिवन है ओवर सी, कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल विद डिग्री एटमोस्ट एन. तो वी जो दिया हुआ है वो सी एन एक्स लिख सकता हूं मैं, पॉलीनोमियल स्पेस विद डिग्री एटमोस्ट एन. टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो पी एक्स को काम ऐप कर रहा है पी डैश एट वन. ठीक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट. तो अगर मैं यहां बेसिस पिक करता हूं, उसमें एलिमेंट वन एक्स एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर एन आएंगे, ये बीटा बेसिस है वी का, इस पे टी ऑपरेट करेंगे तो यहां से टी बीटा आएगा. टी बीटा में एलिमेंट वन का इमेज जीरो जाएगा, एक्स का इमेज वन पे जाएगा, एक्स स्क्वायर इमेज टू पे मैप होगा, एक्स टू द पावर एन एन पे मैप होगा. तो टी बीटा में जो भी आ रहा है वो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल आ रहा है. तो टी बीटा किसको स्पैन करता है, इमेज ऑफ टी को स्पैन करता है. और यहाँ से रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली वन, क्योंकि टी बीटा में सिर्फ एक ही एल आई वेक्टर है, रैंक वन है. रैंक प्लस नलिटी क्या होगा, एन प्लस वन. तो नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली एन आ जाएगा. तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकेंड ऑप्शन ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ शुड बी फॉल्स. तो आंसर शुड बी ए एंड बी आंसर.